वही वही उनके साथ तो बताओ प्रणव सर, वी आर लाइव ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू प्रशांत। मैं अभी सभी अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूं इस जल्दीबाजी में बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी अवगत हैं, हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो इस समय लखनऊ एयरपोर्ट पर डिटेन्ड है। प्रणव सर, वी आर लाइव ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाने के लिए लखनऊ में मौजूद, जहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां बैठे हैं एयरपोर्ट पर। और आजादी का महोत्सव इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि कैसी आजादी की विपक्ष के नेताओं को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, सूबे के मुख्यमंत्रियों को एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया जाता, और जो उतरते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर बंदी बना लिया जाता है क्योंकि वो पीड़ित परिवारों से ना मिल सके, अपनी शोक संवेदना व्यक्त ना कर सके। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि वो आए और अपनी बात कहें मीडिया के माध्यम से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को नमस्कार। कल दिल्ली में एआईसीसी में आप सबसे चर्चा मैंने की थी, जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथियों के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें रोका गया, वो उसके हम लोगों ने कड़ी शब्दों में निंदा की। आज चूंकि सीतापुर में जानकारी मिली कि प्रियंका जी को वहाँ डिटेन करके रखा गया है और 28-30 घंटा होने के बाद भी न उसको छोड़ा गया है और न गिरफ्तारी की गई, लेकिन जब मैं लखनऊ के लिए आया, मैंने कहा कि मैं सीतापुर जाऊंगा और लखनऊ में पत्रकारों से चर्चा करूंगा और सीतापुर में जाके प्रियंका जी और साथियों से मुलाकात करूंगा। यहाँ एयरपोर्ट में आने के बाद पता चला प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ 3 धाराएं लगाई गई है और 11 साथियों को भी उसी धारा पे गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट में हमारा प्लेन लैंड किया तो सबसे पहले मुझे उतारा गया, मैं तो सबसे रो में बैठा हुआ था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप सबसे पहले उतरें, और जब बाहर आया तो सारे यात्रियों को रोक दिया गया और जो यात्री बस है उसमें केवल हम ही लोगों को, जो मेरे साथ सिक्योरिटी में और स्टाफ के लोग हैं, उसको ही उस बस में चढ़ाया गया। मैंने कहा क्यों, मुख्यमंत्री को तो हमेशा प्रोटोकॉल के तहत कार दी जाती है, लेकिन यहाँ कार भी नहीं दे रहे हैं। यदि साधारण यात्री की तरह मुझे ले जाना चाहते तो अन्य यात्रियों को भी इस बस में आने दिया जाए, लेकिन अन्य यात्रियों को उस बस में चढ़ने नहीं दिया गया। और जैसे मैं यहाँ अराइवल में पहुंचा तो तत्काल मुझे कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा बाहर जाने दीजिए, मैं तो सीतापुर से प्रियंका जी से मिल के लौट जाऊंगा, क्योंकि लखीमपुर में आप 144 धारा लगा रखे हैं और वहां नहीं जाने देते, तो बाद में जब वो धाराएं 144 धारा हटेगा तब हम वहां जाके मिल लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा आप सीतापुर भी नहीं जा सकते, लखनऊ भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ भी 144 धारा है। तो मैंने कहा जब लखनऊ में 144 धारा लगा हुआ है तो फिर प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम कैसे कर लिए? उसके पास इस अधिकारियों का कोई जवाब नहीं है। एक तरफ दुर्भाग्यजनक इस देश में स्थिति ये है कि देश में जहाँ हम लोग सब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसके लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि यहाँ किसानों को रौंदा जा रहा है, उसपे लाठियां बरसाई जा रही है, उसपे गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी जा रही है, और वो और कोई नहीं बल्कि सत्ताधारी सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके लड़के और उसके दोस्तों ने इस प्रकार की घटना को कारित किया है। तो ये क्या यही अमृत महोत्सव है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सत्ता के मद में चूर होकर लोगों को हत्याएं कर दे और उसे गिरफ्तारी न करें? और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग पीड़ित पक्ष के लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, जो वहाँ न्याय की बात करने चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो हत्यारे हैं वो खुले में घूम रहे हैं,
लेकिन जो न्याय की बात कर रहे हैं उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं भी करीब 1.25 घंटे से यही जमीन पे एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी जब चले गए हैं, क्योंकि अभी डीएम अभी आए, अभी अभी 10 मिनट पहले आए, मैंने कहा कि डीएम आ गए, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जी चले गए, तभी डीएम यहाँ उपस्थित हुआ है। तो अब मैंने कहा जब प्रधानमंत्री चले गए तब तो मुझे सीतापुर जाने दिया जाए। तो अभी भी ये लोग इस मामले में मौन है। हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए या यहीं बिठा कर रखें, मैं कह नहीं सकता, कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ भी कर सकती है। कि जिस प्रकार से हाथरस की घटना हुई है, जिस प्रकार से गोरखपुर में घटना घटी है, जिस प्रकार से लखीमपुर की घटना घटी है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी हद तक के जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सरकार में सब कुछ संभव हो सकता है। तो यहाँ बिना अपराध के प्रियंका जी की 3 धाराएं लगाई जा सकती है, तो हम लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और मैं बार बार यहाँ के डीएम से, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कह रहा हूँ कि एक बार मुझे प्रियंका जी से मिलने दिया जाए। तो मेरे रिक्वेस्ट पे अभी तक के कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं करीब 1.25 घंटे से यही जमीन में एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सर। जी हम सवाल लेते हैं। जी रुपेश गुप्ता जी हैं। रुपेश गुप्ता जी अपना परिचय दें और सवाल पूछें। मैं News24 रायपुर से हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आपको यहां से जाने नहीं दिया जा रहा है जहां आप जाने जाना चाहते हैं, तो अब आगे क्या करेंगे? मैं तो इनके रहमोकरम पे हूं, पुलिस वाले क्या करेंगे मैं कह नहीं सकता। ये तो यही जवाब देंगे, मैं तो जाने के लिए आया हूं। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी से मिलने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं कोई लखीमपुर तो जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने नेता जिसको गिरफ्तार किया उससे तो मैं मिल लूँ। क्या लोकतंत्र में अपने नेताओं से मिलना भी गुनाह हो गया? क्या पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना भी गुनाह हो गया है? क्या हिंदुस्तान में अब न्याय की मांग करना भी गुनाह हो गया है? तो अभी करीब 1.25 घंटे से रुपेश जी मैं यही बैठा हुआ हूँ जमीन पे एयरपोर्ट में। हालांकि राजनीतिक जीवन में अनेक आंदोलन हमने किए हैं, धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जेल भी गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर में धरना में बैठने के पहला अनुभव है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी कमी पूरी कर दी। कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई आपसे? मुझसे मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर मैं ही बैठ गया धरने। जी, अगला सवाल लेता हूं मैं। सुखबीर सिंगोत्रा जी हैं CG24 न्यूज से। भूपेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और खास करके उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसको लेके जो पूरा विवाद है और पूरे हिंदुस्तान में ये बात चल रही है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, अगर ये स्थिति छत्तीसगढ़ में होती तो आप क्या करते? मेरे यहाँ भी सिलगेर में बड़ी घटना घटी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। केम के शुरुआत करने के कारण से वहाँ गोलियां चली और 3 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन हमने कभी भी न पत्रकारों को जाने से रोका, न राजनीतिक दल के लोगों से जाने से रोका। वो लोग गए, उन्होंने चर्चा की, कुछ लोग तो वहां तक पहुंचे भी नहीं, वापस लौट के आए। हमारे यहाँ तो हमने कोई ऐसा रोक तो लगाया नहीं था, वो लोग भी गए जाए हमारे प्रदेश में। रमन सिंह जी पूछ रहे हैं कि भूपेश बघेल क्यों नहीं गए सिलगेर। रमन सिंह से मैं पूछना चाहता हूं कि वो सिलगेर क्यों नहीं गए? मुझे लखीमपुर जाने से रोक रहे हैं, मैं यहाँ विपक्ष में हूँ, मैं लखीमपुर जा रहा हूँ। आपको, आप वहां विपक्ष में है तो आप सिलगेर जाइए ना, क्यों रोका है? और आप गए क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल जी प्रियंका जी से पूछ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में, तो जेपी नड्डा क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए ना, और उसे हम तो रोक रहे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद कुमार साय जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे, अनुसूचित जनता जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, उनके नेतृत्व में गए। और तो तर्रेम तक, सिलगेर भी नहीं पहुंचे, तर्रेम से ही वहां लोगों से बात करके लौट गए। हमने तो रोका नहीं, हमारे प्रदेश में इस प्रकार से नहीं है कि आप को जाने से रोका जाए।
हम जब अपने प्रदेश में जब विपक्ष के नेताओं को जाने से नहीं रोकते, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहां हमको भी नहीं रोका जाएगा, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में हम नहीं रोकते। अगला सवाल लेता हूं मैं अमित मिश्रा जी का। अमित जी अनम्यूट करिए, पूछिए सवाल। जी भूपेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जब आप वहां पर गए, पहले भी आपके खिलाफ जो फरमान था वो जारी कर दिया गया था कि वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आप लखनऊ गए, आपने बताया भी कि वहां पर पीएम का प्रोग्राम था, पीएम को जाने दिया गया, आपको नहीं जाने दिया गया। अब आगे आप क्या करेंगे? क्या यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे या फिर और कुछ व्यवस्था वहां पर की जाएगी? किस तरीके आगे की स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? मैं तो अभी भी जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम हमारे प्रदेश के नेताओं को जो गिरफ्तार करके रखे हैं उनसे तो मिलने दिया जाए। प्रियंका गांधी जी हैं, अजय लल्लू जी हैं, उनके साथ और लोगों को 11 लोगों को गिरफ्तार कर रखे, उनसे मैं मुलाकात कर लूं, उसमें आपको क्या तकलीफ है? वो हमारे नेताओं से भी मिलने नहीं दे रहे, पीड़ित परिवार से पहले नहीं मिलने दे रहे, और दूसरा आप अपने नेताओं से भी नहीं मिलने दे रहे। तो क्या यही अमृत महोत्सव, यही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस प्रकार से? हम अपने लोगों से नहीं मिल सके, किसान से नहीं मिल सकते, अपने नेताओं से नहीं मिल सकते, पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते, ये कैसा लोकतंत्र है? अगला सवाल है सर सौरभ परिवार का, परिहार का। सौरभ जी पूछे। अनम्यूट कर लीजिए सौरभ जी। एक मिनट। जी सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी सौरभ जी आ रही है आवाज। जी सर मेरा सवाल था कि जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कामकाज किया है, अब आपको यूपी का चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, क्या योगी आदित्यनाथ को डर लग रहा है क्या कि आप पहुंच गए हैं तो अब किसानों का जो मुद्दा है वहां पर छाया रहेगा और इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा और नुकसान उनको होगा, क्या इसलिए पूरी रणनीति बनाई जा रही इस तरीके की? हालांकि मैं योगी आदित्यनाथ को डरपोक नहीं समझता था, लेकिन जिस प्रकार से अभी विपक्ष के नेताओं को रोक रहे हैं और गिरफ्तार कर रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि वो हार के भय से ही इस प्रकार के गिरफ्तारियां कर रहे हैं, नेताओं को जाने से रोक रहे हैं और घटना को दबाना भी चाहते हैं, छुपाना भी चाहते हैं और किसी को बचाना भी चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि वो अभी से हार के भय से आतंकित हो गए हैं। अगला सवाल लेता हूं मैं सर। प्रशांत है द प्रिंट से। प्रशांत अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है आपको? जी प्रशांत जी आ रही है। भूपेश जी मेरा एक सवाल है क्योंकि आज आप लखनऊ में हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी लखनऊ में थे, उन्होंने करीब 36 मिनट की अपनी स्पीच के दौरान, क्योंकि अभी संडे का ये इंसिडेंट है और ट्यूजडे को वो लखनऊ में, 36 मिनट की स्पीच के दौरान एक बार भी पूरी घटना का जिक्र नहीं किया। इस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रहा हूं क्योंकि वो ना ही योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उन्होंने कोई इस पर अपना कोई जिक्र किया उस घटना का, और ये क्योंकि ये जो इवेंट है वो 48 घंटे के बाद ही, मतलब विद इन 48 आवर्स ये हो रहा है, ऐसे में उम्मीद की जाती है कि कोई बड़ा नेता आएगा और तो इस पर तो जरूर संवेदना व्यक्त करेगा। आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहता हूँ। दो बातें हैं इसमें। पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, ये विचार वैचारिक रूप से उनको फॉलो करते हैं, और अंग्रेज हमेशा हिंदुस्तान में किसानों को दबा के रखे हैं, जिसमें गांधी जी, पटेल जी और नेहरू जी ने आंदोलन किए, ये इतिहास में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी भी किसान विरोधी पहले से रहे हैं, ये दमनात्मक रवैया अपना रहे हैं जिस प्रकार से अंग्रेज अपनाते हैं, और इस कारण से वो इसके बारे में ये बिल्कुल एक शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कभी उसे आतंकवादी कहते हैं, कभी पाकिस्तान परस्त बोलते हैं, कभी चीन परस्त बोलते हैं, कभी उसको ठलुआ बोलते हैं, कभी उनके लिए प्रयोग करते हैं कि इसको तो लाठी मारो और बड़े नेता बन जाओ, फिर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा। तो ये सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के विचार ये है। दूसरी बात यह है कि इस घटना का जिक्र इसलिए प्रधानमंत्री और यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उस काफिले में थे और उसके काफिले में उसका बेटा भी था जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए थे और उसको रौंद दिए थे, और इस कारण से अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
को वो बचाना चाहते हैं, इस कारण से उसको बर्खास्त भी नहीं कर रहे हैं, उसके लड़के को गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो बात है, जो इसके अंदर के जो राजनीति है, क्योंकि जो मिश्र हैं और योगी आदित्यनाथ हैं वो अलग अलग खेमे से बटे हुए हैं, उसके पूछे बिना ही प्रधानमंत्री ने उसको गृह राज्य मंत्री बना दिया था। और ये इसी कारण से आपने देखा होगा जो उसके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं वो गए थे, मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में नहीं थे और उप मुख्यमंत्री उसके साथ गए थे। ये जो आंतरिक जो इनकी गुटबाजी है वो भी तीसरा ये परिलक्षित होता है। ये तीन कारणों से ये प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कोई बात कही है। धन्यवाद सर। मैं अगला सवाल लेता हूँ। ममता है, ममता अनम्यूट करिए। जी सर नमस्कार, ममता ओरी न्यूज 18 से, रायपुर से। सर मेरा सवाल ये है कि दो वीडियो आए हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरी तरफ बीजेपी का ऐसा कहना है कि चूंकि यूपी चुनाव के प्रमुख पर्यवेक्षक आप बनाए गए हैं, इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स की जा रही है आपकी तरफ से, क्योंकि किसानों की जो हत्या हुई है इसमें क्या राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र उस पे गाड़ी चढ़ा दी है किसानों पे, इसमें क्या राजनीति है? ये तो घटना हुई है। और जब इस प्रकार की घटना होती है तो विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जाते ही हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? आखिर क्या छुप क्या बात है जो उत्तर प्रदेश की सरकार छुपाना चाहती है? क्या ऐसी बात है कि जिससे आम जनता के बीच में कोई बात ना आ पाए? ऐसे कौन से लोग हैं जिसे वो बचाना चाह रहे हैं, जिसके कारण से विपक्ष के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है? अगला सवाल लेता हूं सर। अभिषेक यादव हैं न्यूज इंडिया से, अभिषेक पूछें। भूपेश जी आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप लखनऊ में हैं अभी, धरने बैठे हुए हैं, आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं तो अभी अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुझे रोक के बैठे हैं, वो क्या करेंगे तो उनसे पूछा जाना चाहिए वो क्या चाहते हैं। क्या प्रियंका जी तरह मुझे भी गिरफ्तार करेंगे या मुझे लखीमपुर तो जाना नहीं देना चाहते, सीतापुर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सीतापुर जाने दिया जाए, मैं अपने नेताओं से मिलना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेता हूँ। भरत सेठी है के न्यूज से, लखनऊ के वही बाहर है, एयरपोर्ट के बाहर, वहां से वो सवाल कर रहे हैं। जी भरत। सर सबसे पहले कि दो घंटे से ज्यादा आपको हो चुका है लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर जमीन पे बैठे हुए, एक मुख्यमंत्री है सर आप, उसके बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी को 30 घंटे से ज्यादा उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने सीतापुर में गिरफ्त बंद करके रखा, क्या लगता है यूपी सरकार, क्या योगी सरकार घबरा चुकी है कांग्रेस से? सर बिल्कुल सही कहा आप, ये किसानों से घबराए हुए हैं, आंदोलन से घबराए हुए हैं और इस कारण से दबन करने में किसी स्तर पर उतर जाएंगे। और इस प्रकार की घटनाएं आपने देखा किस प्रकार से ये दिल्ली के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी है उस पे ये लोग, चाहे वो गोरखपुर की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो और लखीमपुर की घटना, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाने के किसी स्तर पे जा रहे हैं। जो लगातार इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं वो इनके खिलाफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि योगी नाथ जी बहुत डरे हुए हैं तभी इस प्रकार के काम कर रहे हैं, अन्यथा घटना घटी है और उसमें वो जाने देते, मिलने देते, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए था, लेकिन उनको तो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, लेकिन जो लोग आंसू पोंछना चाहते हैं उसे जरूर गिरफ्तार कर रहे हैं। सर आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर मैं तो ये पुलिस वालों के रहमो करम पे हूँ, यहाँ जाने देंगे तो जाएंगे, अन्यथा गिरफ्तार करेंगे तो वो जाने, वो सवाल तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूछा जाना चाहिए वो क्या करना चाहते हैं। मैं तो आया था यहाँ कि आप सबसे चर्चा करूंगा, प्रियंका जी से मिलूंगा, यहाँ के नेताओं से मिलूंगा, लखीमपुर में जरूर 144 धारा लगा है तो वहां तो जाने नहीं देंगे, लेकिन सीतापुर तो जाने देते, लेकिन एयरपोर्ट में ही ये लोग रोक के बैठे। मैं तो दो घंटे से जमीन पे बैठा हुआ हूँ, पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़िया स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद उन्हें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। अगला सवाल अभिषेक है, उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन ही लिखा है, बारी बारी से आता हूँ, काफी सारे सवाल हैं, उसके बाद आरजे न्यूज आपके पास भी आता हूँ। जी अभिषेक।
अनम्यूट करिए अभिषेक जी। सर अभिषेक बंसल न्यूज से बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल था कि मुआवजा कुछ सरकार ने घोषित किया है, सरकारी नौकरी भी देने की बात की है, उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं और आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये जिस वीडियो आज प्रियंका जी ने जो जारी किया है उसमें लोग पैदल चले जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी उनको रौंदते चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के हत्या किया गया है और जो हत्या किया गया है तो उसी धारा पे उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कि गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि FIR पुलिस ने किया है कि गृह राज्य मंत्री के लड़के पर। गृह राज्य मंत्री ये कहते हैं कि मेरा लड़का वहां था ही नहीं और पुलिस उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसका मतलब ये है कि गृह राज्य मंत्री जी अपने लड़के को बचाना चाहेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उसे बर्खास्त किया जाए और उनके लड़के को गिरफ्तार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, 1 करोड़ की मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। अब तो एक छठवां मांग और हो गया कि हमारे नेता जो गिरफ्तार किए हैं उनको भी रिहा किया जाए, निशर्त रिहा किया जाए। काफी सारे सवाल हैं, मैं बारी बारी से कोशिश करता हूँ। RJ न्यूज छत्तीसगढ़ जी। सर पूछे सर, मेरा सवाल है, सरोज पांडे ने एक ट्वीट किया है, भूपेश बघेल जी केवल इतना बता दीजिए कवर्धा छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू क्यों लगाया गया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ जल रहा है, आप लखनऊ में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए हैं, आप मुख्यमंत्री है, पहला आपका दायित्व तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है। सरोज जी मुझे अपना दायित्व तो मत सिखाइए, आप अपना दायित्व तो निर्वहन करिए। यदि आप विपक्ष में है तो वहां जाके आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, आप वहां जाए। मैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष में, मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे अपने दायित्व सिखाने की कोशिश न करें, आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आपको सिलगेर जाने से कौन रोका था, आप क्यों नहीं गई? तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस प्रकार से सीख देने की कोशिश न करें। धन्यवाद सर। अमित मिश्रा जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा है आपने। जी मैं सारा समय से बोल रहा हूँ सर। जी अमित हेलो पूछिए जी। हाँ भूपेश जी, ये जिस तरीके से यहाँ पर आपको रोका गया, प्रियंका गांधी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस से इतना डर रही है जिस तरीके से आपने बताया अभी, तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, कानून कुछ नहीं कह रहा है वहां पर, कानून को लेकर वहां पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, वहां की कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी अब आगे? देखिए ये अनंत काल तक के किसी गिरफ्तार करके रख नहीं सकते, देश में कानून का राज है, यहाँ न्यायालय भी है और ये हमको बहुत दिन तक के इस प्रकार से रोक नहीं सकते, सच को सामने आने से नहीं रोक सकते। लखीमपुर का सच एक दिन जरूर सामने आएगा और ये जो जिन लोगों ने कहा सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा, उन लोगों को पद से बर्खास्त करना ही होगा जो ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका लड़का किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिए हैं, उनको जेल में शिक्षकों के पीछे जाना ही होगा। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेता आवेश तिवारी का। आवेश प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो गया। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। यह जो मामला है लखीमपुर का, इसमें एक बात ये साफ नजर आती है कि मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो लगातार समीकरण खराब हुए हैं, उनके संबंध खराब हुए हैं, कहीं ना कहीं लखीमपुर की घटना में यह परिलक्षित होता है। यह दिखता है कि अजय कुमार मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है और केशव प्रसाद मौर्या डिप्टी CM, वो मुख्यमंत्री को बिना अपने संज्ञान में लिए, मुख्यमंत्री को बिना विश्वास में लिए वहां पर गए। आपको क्या लगता है कि इस मामला क्या मोदी और योगी के बीच का जो शत्रुता चल रही है, बड़ी गाढ़ी शत्रुता छिपी छिपाई, क्या उसका परिणाम है क्या? ये हो सकता है क्योंकि पहले कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से जाने का हुआ था
और उसके बाद ये भी जो इंटेलिजेंस का इनपुट ये था कि वहां किसान विरोध करेंगे, काले झंडा दिखाएंगे, तो ये लोग हेलीकॉप्टर से ना जाकर सड़क मार्ग से गए और उन्होंने जिस प्रकार से उसे अंगूठा दिखाकर चुनौती संकेत किया और जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा सुधर जाओ नहीं सुधार दूंगा, मेरे पुराने जो मिश्रा है उसको नहीं जानते, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है, तो ये जानबूझ के किया गया है। और ये बात सही, ये भी बात जानकारी में आ रही है कि ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इसमें सहमति नहीं थी और न उसे ली गई, तो हो सकता है कि इनके जो आंतरिक गुटबाजी है उसके परिणाम से किसानों की शहादत हुई है, हो सकता है। अगला सवाल लेता हूँ देवेश तिवारी जी का। मुख्यमंत्री जी, जो तस्वीर सामने आई है वहां से, जिस वीडियो में हम सब देख रहे हैं कि किसान जो है जा रहे हैं और उनके पीछे से गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी जा रही है, और भी देश में किसान आंदोलन हुए हैं जिनमें गोलियां चलने से किसानों की मौत हुई है, कहीं एक्सीडेंट हुए हैं, लाठीचार्ज से मौतें हुई हैं, इस तरह का ये पहला मामला है जहां पर इंटेंशनली ठंडे खून के साथ जो मर्डर हम कहते हैं उस तरह का नजर आ रहा है। आप इतने साल से राजनीति में है, क्या आज से पहले आपने कभी इस तरह का देखा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मर्डर कर दिया हो? सत्ता के मद में इतने चूर हो गए कि अब आम जनता को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, किसानों को तो कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि इनको इतना भी भय नहीं है कि इस पे गाड़ी चढ़ाएंगे मौत हो जाएगी, हमारे खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये भी इन लोगों ने नहीं सोचा। और यही कारण अभी देख लीजिए कि 48 घंटा बीतने के बाद भी गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, न उसकी बर्खास्ती हुई न इसकी गिरफ्तारी हुई, तो सत्ता के मद में ये चूर हो गए हैं। और इस बात को समझ लीजिए कि प्रजातंत्र में जनता ही मतदाता ही सर्वोपरि है, जनता जिसे चाहती है अर्श में बिठा देती है, जनता जिसे चाहती है फर्श में पटक देती है, तो अब मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के जाने का समय आ चुका है। धन्यवाद सर। अगला सवाल लेता हूं मैं, विवेक श्रीवास्तव हैं राजस्थान पत्रिका से। विवेक जी। सर बघेल सर, मेरा एक सवाल था कि आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये नया उत्तर प्रदेश है, उनके नेतृत्व में बन रहा है, तो इस नए उत्तर प्रदेश में आज पहुंचे हैं, आप कैसे देखते हैं इस प्रदेश को? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है साहब, नए उत्तर प्रदेश में। बहुत हम लोग राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे विपक्ष में रहकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं, जेल भरो आंदोलन भी किए हैं, लेकिन एयरपोर्ट में धरना देने का सौभाग्य योगी आदित्यनाथ जी ने दिलाया है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन नए उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ अनुसूचित जाति के लड़के के साथ हाथरस में घटना हो जाती है, किस प्रकार से एक वैश्य समाज व्यापारी लोगों के साथ उनके ही क्षेत्र गोरखपुर में किस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और किस प्रकार से लखीमपुर में आंदोलनरत किसान जो बहुत ही, और जो वीडियो आया है उसमें तो कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा था, वो सीधा पैदल चल रहे थे, उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये नया उत्तर प्रदेश है, और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता इस नए उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की जो सोच है उस प्रकार को उत्तर प्रदेश यहाँ की जनता चाहती है। धन्यवाद सर। एक सवाल आयुष अवस्थी बहुत देर से पूछना चाहते हैं। आयुष सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक सवाल मेरा है कि प्रियंका गांधी के ऊपर FIR हो गई है और वो लगातार लखीमपुर जाने में अड़ी हुई है, क्या लगता है वो लखीमपुर जा पाएंगी या फिर आप एयरपोर्ट से सीधे उनसे मिलने जाएंगे या फिर सीधे छत्तीसगढ़ वापस लौट जाएंगे? देखिए, ये तो लखीमपुर तो जाएंगे ही, 144 धारा लगा हुआ है, किसी न किसी दिन तो हटेगा, अनंत काल तक के नहीं चल सकता, और उससे परिवार से मिलने से कोई ताकत है वो हमें रोक नहीं सकती। प्रियंका जी तो लखीमपुर तो जाएंगे, उन पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, कितने दिन तक जेल में रखे, कितने दिन तक उसको रोका जाएगा? लेकिन सवाल इस बात का है कि लखीमपुर में ऐसी क्या बात है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार छुपाना चाहती, देश की जनता के सामने नहीं आना देना चाहती, और यही कारण है कि हम लोगों को रोका जा रहा है, और हम लोग वहां जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे भी और देश के सामने सच्चाई भी सामने लाएंगे।
कौशल स्वर्णवार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कौशल जी सीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा सर एक सवाल है कि दिल्ली में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां कई किसानों की मौत हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं, यूपी में किसानों की मौत हो जाती है, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोलते हैं, तो क्या लगता है किसानों के प्रति बीजेपी गवर्नमेंट क्या किसानों के है या नहीं है, चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी है वो अंग्रेजों के विचार का समर्थन करती है, उस विचार पे चलती है। अंग्रेज जिस प्रकार से हिंदुस्तान के किसानों को रौंदा, दबाया, कुचला, उस पर गोलियां बरसाई, चाहे जले वाला बाग की बात हो, चाहे अन्य किसान आंदोलन के रायबरेली में के शांतिगंज की बात कहें, वहां गोलियां चलाई गई, तो उसी प्रकार से उसी नीति को ये लोग भी फॉलो करते हुए आज किसानों को दमन करने में लगे हुए हैं, इसको अपमानित करने में लगे हुए हैं। कभी इनको कहते हैं ये ठलुआ है, कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी समर्थक हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तानी समर्थक हैं, कभी चीन परस्ती बता देते हैं। तो अपमानित करने का कोई भी अवसर ये चूकते नहीं। अब तो हद हो गई कि अब खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि ये आंदोलनकारी किसानों के सर फोड़ो और बड़े नेता बन जाओ, तो इस प्रकार से उकसाने का काम। और ये जो लखीमपुर की जो घटना घटी है, वहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि सुधर जाओ नहीं सुधार देंगे, और उन्होंने सुधारने का काम कर दिया उसके समर्थकों ने, उसके बेटे ने, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, पैदल जा रहे, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी और पीट पीट के मार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है जो अब देश के सामने उजागर हुआ है। ये हत्या करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो उस राज्य मंत्री को बर्खास्त करते, योगी आदित्यनाथ जी उसके बेटे को गिरफ्तार करते, तो ये तो हुआ नहीं है। और हमारी जो मांग है सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच, सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है, इसको सुन नहीं रहे। बल्कि जो न्याय की गुहार करने वाले हैं प्रियंका गांधी जी, उनको गिरफ्तार कर लिए हैं, 11 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिए, ये तो इनके शासन करने का तरीका है। अगला सवाल लेता हूं सर मैं, ओम प्रकाश चंद्राकर जी हैं, पुष्कर मिथिलेश जी आपके पास अनम्यूट करिए। ओम प्रकाश जी हेलो। भूपेश जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक सवाल तो ये है कि सबसे पहले आप आगे क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल आप एयरपोर्ट में बैठे हैं, आगे आप क्या करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि आला कमान ने एक काफी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, तो बतौर पर्यवेक्षक आप आगे आपकी क्या प्राथमिकता होगी यूपी में? भाई प्रियंका जी लखीमपुर जा रही थी पीड़ित परिवार से मिलने, उसको सीतापुर में रोक दिए, मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया, तो निश्चित रूप से पार्टी पदाधिकारियों के से मेरी मुलाकात होगी, उनसे चर्चा करता। अब चूंकि सीतापुर में प्रियंका जी को रोक दिया, तो मैं सीतापुर जा रहा था मिलने, तो मुझे एयरपोर्ट में रोक दिया गया। अब तो पुलिस तय करेगी ना, यहाँ जिला प्रशासन तय करेगी कि हम कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं लोकतंत्र का, स्वतंत्रता का, और यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थिति है विपक्ष के नेताओं को नजरबंद ही नहीं गिरफ्तार करके रखे हैं, कि कैसे 75वीं आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यही प्रधानमंत्री है, यही सब नेताओं गिरफ्तार करके रखे हैं। धन्यवाद सर, आपने काफी धैर्यपूर्वक ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने का प्रयास किया, अभी भी कई सवाल बाकी है, लेकिन हम श्योर हैं कि हम अगले मौके पर फिर हम आपके साथ होंगे और फिर से जो है पत्रकारों को मौका देंगे सवाल देने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सारे पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं उनसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार के कान पर जू रेंगेगा और उनको सद्बुद्धि आएगी और आपको अपनी यात्रा आगे करने के लिए अनुमति दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। प्रणाम भाई भी नमस्कार, सभी पत्रकारों की नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।